स्वागत है आपका आज के एक नए सेशन में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ में, जिसके तहत मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अपने उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, और ये इतना बड़ा डिसीजन है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाला है। यानी कि एक प्रकार से ये गेम को चेंज करना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूंगा कि भाई जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, तो इन्होंने ये कहा था कि हम शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जितने भी हमारे UP SSSC के माध्यम से होता है, इन सभी विभागों में हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसीज देंगे और रोजगार देने का पूरा प्रयास ही नहीं, हम अपनी तरफ से 100% चीज़ें पूर्ण करेंगे और किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं छोड़ेंगे जो कि पद रिक्त रहे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जितने भी पद रिक्त हों उन्हें समय से पूरा करा दिया जाए। बट मैं आपको इनकी थोड़ी सी गाथाएं सुनाना चाहूँगा, और देखिएगा आज का जो न्यूज़पेपर में इन्होंने आर्टिकल बनवाया है या फिर जो भी भैया न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने अपना आर्टिकल छापा है, तो उन्होंने इसमें क्या दर्शाया है। इनका कहना है कि हम दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ये झूठे वायदे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को हो सकता है कि ये लेकर गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हों, बट मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोकस करता हूँ सच्चाई के साथ। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहूँगा कि 49,568 भर्ती प्रक्रिया 2018 की है, अक्टूबर महीने की है, जिसमें से कि 18,208 कैंडिडेट PSC के ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन रोजगार उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वह इसी मझधार में फंसे हुए हैं। वास्तविकताएं देखी जाए तो देखिए, जब तक मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप कन्फर्म सिलेक्टेड हो चुके हैं। फाइनली मैं मानता हूँ फाइनल सिलेक्शन आ चुका है, बट मेडिकल प्रोसेस भी एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन इनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं आज इनका आर्टिकल दिखाता हूँ आपको कि ये आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे सबसे ज्यादा मौके, दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दे दी है। प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी कार्य विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। पिछले 4 साल में अलग अलग विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है हमारी राज्य सरकार, इनका कहना है। बट अगर मैं आपसे कहूँ तो वास्तविकताओं के तौर पर क्या ये आंकड़ा स्पष्ट करा सकते हैं कि हमने किस विभाग में कितनी वैकेंसीज निकाली थी और उसमें से कितनी अभी तक पेंडिंग चल रही है। इनका 4 लाख का आंकड़ा मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता, बट आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। इसके लिए सभी विभागों को प्रक्रिया जो है तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले कुछ महीनों में जिन विभागों में सबसे अधिक नौकरियां आने वाली हैं, उनमें इनका कहना है कि शिक्षा विभाग यानी कि हमारा टीचर की भर्ती आ जाएगी, पुलिस विभाग यानी कि कांस्टेबल पद या फिर SI पद जो भी इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा और आबकारी विभाग शामिल किए गए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। सच्चाई क्या है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में, सिर्फ और सिर्फ फाइलों में नंबर चल रहे हैं, बाकी इन्हें खुद भी नहीं पता कि कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया हमने निकाली थी और कौन कौन सी अभी तक पेंडिंग में चल रही है, किन किन की नियुक्ति हो चुकी है, किन किन की नियुक्ति नहीं हुई है। ये मैं डायरेक्ट टारगेट करके कहना चाहूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको यही नहीं पता है कि अभी तक कितने बच्चे 3 साल से अपना वेट कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आप उन लोगों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की राजनीति में लगे हुए हैं, आने वाली प्लानिंग में लगे हुए हैं। बट अगर किसी भी भाई बंद यार दोस्त को, दुश्मन को अगर ये चोट पहुंचती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा, आप जैसे हैं खुश रहिए, आपकी मर्जी है आप 1 लाख वैकेंसी दो, आपकी मर्जी आप 5 लाख दे दो, आपकी मर्जी आप 1 भी ना दो, हम जैसे जी रहे हैं बस जी लेंगे और अपना काम आगे करते रहेंगे। बट मैं इनकी वास्तविकता कहना चाहूंगा, इन्होंने क्या कहा सुनिएगा। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल चुकी है नौकरी। अरे भाई आप ये तो बता दो आपने कहाँ दी, किसे दी, कब दी, सच्चाई तो बताओ। आपने अगर 10,000 पोस्ट निकाली होंगी तो 1,000 पोस्ट भी सही तरीके से नहीं भर पाई होंगी, 9,000 अभी कोर्ट में चल रही होंगी, ये स्पष्टता है। जबकि आप क्या कहना चाहते हो वो सब बात की बात है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि मनरेगा के जरिए 1.50
करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से अधिक युवा को रोजगार दिया जा चुका है। ओडीपी के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से 1,80,00,000 लोगों को यूपी में रोजगार मिला है। नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, जबकि 40 लाख से अधिक कामगारों श्रमिकों को स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया है। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी एक स्कीम चलाई थी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे। आपको पता है उसमें क्या हुआ था? सिर्फ ये हुआ था, टी शर्ट छपी थी और मार्केट में बिकी थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। भाड़ में गए सब बच्चे, वो जो ट्रेनिंग करके आए, जो वहां पे सीख के चीजें आए, उनसे ये तो पूछो आपने सीखा क्या, सिर्फ सर्टिफिकेट भिड़ाया और उन्हें आगे बढ़ाया। ये है वास्तविकता योगी जी, ये वास्तविकता है। आप अभी खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं, इसका आपको बड़ा बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपसे विपक्ष में नहीं हूँ, मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की बात करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले नई भर्ती आए या नहीं आए, लेकिन पहले बहुत सारी भर्तियाँ कंप्लीट करा दीजिए जो अभी पेंडिंग में चल रही हैं। बाकी मेरी नई भर्ती आने से कोई गुजारिश नहीं है। नई भर्ती आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं आएगी तो हम नहीं भरेंगे। बट नई वैकेंसीज देना आपका दायित्व बनता है, लेकिन आपका दायित्व ये नहीं है कि जो पुरानी वैकेंसीज हैं आप उन्हें भूल ही जाओ, उन्हें भाड़ में डाल दो। और साथ में इन्होंने एक और यहाँ पे अपना आर्टिकल छपवाया है, जारी रखें ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति। तो भैया ये तो COVID-19 से जुड़ा है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत अच्छी ठगी हो चुकी है हमारे देश तथा प्रदेश में, लेकिन मैं फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पीएससी कैंडिडेट 18,208 में सिलेक्ट हैं, तो आप वास्तविकता बताइए। अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं किसी के लिए किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं चाहता हूं, किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूं। बट मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लटकी हुई है, पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रियाएँ हैं, यूपीएसआई 2016 वाले कैंडिडेट हैं उनका मामला फंसा पड़ा है, जितनी भी प्रोसेस अभी तक आपकी पेंडिंग में चल रही है, प्लीज़ पहले उन्हें पूरा कराइए, तब नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो जो पीछे कीड़े पड़ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे आपको, और आने वाले समय में वो आपके लिए नुकसानदायक भी पैदा होंगे। चलिए तो फिलहाल आज के अपडेट में रखेंगे बस यहीं तक, नई अपडेट के साथ एक नए सेशन में पुनः जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। प्रथम बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दें। बात करेंगे पीएससी की, तो पीएससी को लेकर मैं बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा, बट आज के सेशन में यह डिस्कस नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत।